ये जो बिजनेस का काम होता है, हमारा अपना अनुभव है, वो बहुत ही गुणा भाग का एक विषय रहता है, हिसाब किताब का। तो उसका जो सच है बड़ा ही बौद्धिक टाइप का रहता है, पर उसमें जो डिज़ाइन का एलिमेंट है वो उसमें कला को अवतरित करता है। ये एक बहुत विशेष बात है, जो डिज़ाइन का कंपोनेंट है वो विज्ञान में कला को, तो अर्थशास्त्र है, विज्ञान भी है, पर उसमें जब कला आके मिश्रित होती है तो एक डिज़ाइन की बहुत बड़ी एक उसमें विशिष्ट भूमिका उसमें रहती है। और चूंकि कला है इसलिए जो सौंदर्य का पार्ट है उसका प्रोडक्ट का, जो सौंदर्य का पार्ट है वो इससे नियंत्रित होता है। और इसलिए जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं, मुझे तो बड़ा सौभाग्य मिला समय समय पर उनसे इंटरेक्ट करने का। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में कभी गया हुआ था बिल्कुल, तो मैंने देखा वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं क्या अद्भुत उनकी जो कृतियाँ वहाँ पे बना के उन्होंने रखी हुई, जो पढ़ रहे हैं अभी खाली, क्योंकि इस फील्ड में वही गया हुआ है जिसकी रुचि है उसमें, जिसके अंदर, जिसके ऊपर विशेष कृपा है, जो कला की जिसके ऊपर क्षमता है वो उसमें जाती है। अब देश में ये हमारा जो देश है, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जो कला का हमारा ये बहुत ही रिच ट्रेडिशन हमारे पास रहा। मैं थोड़े दिन पहले से बिहार में यात्रा कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे देखा तो गांव-गांव में अलग अलग तरह की कला का लोगों को, और ये नहीं किसी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में पढ़ने गए थे, वो कुछ नहीं, ऐसे अनायास नैसर्गिक प्रतिभा उनके अंदर है। ट्राइबल एरियाज में मैं काफ़ी मज़े घूमने का मौका मिला, और सर तो उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ हमारे माननीय मंत्री जी, तो पूरा जीवन उन्होंने उस पर समर्पित किया है। हम इतने भाग्यशाली हैं कि प्रभु की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि इतना विराट संपदा हमारे पास कला की है जो कि डिज़ाइन में जा सकती। तो आज की जो कार्यशाला है, मैं तो जो इसके आयोजन को आगे स्टेयर कर रहे हैं, और आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम द साइंस एज इट हैज़ इवॉल्व्ड, द डिज़ाइन साइंस जिसकी किताबें भी चलती हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी जाता है, हमारी परंपरा में, हमारे देश में, कण कण में अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन की क्षमता वहाँ पे व्याप्त है। आप तो खैर बड़ी वो परंपरा कम हो गई, लेकिन जब मैं बचपने में था तो मैं देखता था महिलाओं को स्वेटर बनते हुए, और मुझे अभी भी मैं विस्मित हो जाता हूँ स्मृतियाँ देख के कि उसमें कहीं पे दो फंदे पड़ेंगे, फिर किसी में तीन पड़ेंगे, किसी में एक पड़ेगा कुछ करके, और कुछ नहीं उधर गपशप भी चल रही, बातचीत हो रही, उसमें कोई कमी नहीं है, इधर बातचीत भी चल रही, वो फंदे भी पड़ रहे हैं, उधर डिज़ाइन बनता चला जा रहा है। तो जब उभर के सामने आएगा स्वेटर, आप विस्मित रह जाएंगे कि क्या डिज़ाइन उसमें डालती हूँ। तो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गई हूँ, उनके पास वो क्षमता है नहीं। इसी तरह से कहीं भी जाओ, जितने हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के काम हो रहा है, हमारे हैंडलूम का काम हो रहा है, हमारे जितनी चीज़ों में काम हो रहा है, अब क्या करना है कि उसको जो कंज्यूमर की जो सौंदर्य की परिभाषा है, जैसे पीयूष जी भी कह रहे थे कि जस्ट टच एंड फील, उसकी लुक। तो मैं कई बार आपके साथ ये साझा कर चुका हूँ, एक बार मैं वहाँ आगरा में एक फुटवेयर की फैक्ट्री को देखने गया, तो वहाँ पे डावर साहब उसको बनाते, एक्सपोर्ट करते ज़्यादा। तो डावर साहब से मैंने पूछा कि जो ये जूते का डिज़ाइन बनाते हो आप, फुटवेयर का डिज़ाइन बनाते हो, वो कैसे आप उसको तय करते हो कि कौन से डिज़ाइन का बनाना है फुटवेयर? तो वो बोले मैं बड़ा चकित हूँ, इतना आपने टेढ़ा प्रश्न मुझसे किया है कि इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बाहर एक बिल्डिंग के मारे उसमें ले चलता हूँ। तो वो फैक्ट्री के बाहर मुझे ले गए, कनेक्ट टाइप की बना रखी थी उन्होंने, वहाँ पे मुझे लेके गए। तो मैंने देखा 25-30 उसमें बच्चे बैठ के वो कंप्यूटर पे कुछ कुछ कर रहे हैं, तो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग ये सब आजकल आ गया। तो मैंने कहा देखो अगर इतना सरल होता है तो इसको तो कोई भी कर लेता, आपकी ज़रूरत क्या थी? बोले अब आप मानोगे नहीं तो मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ डिज़ाइन कैसे होती। तो उन्होंने बोले हमारे जो मार्केट के एम्बेसडर्स हैं वो यूरोप में बैठे हुए हैं, वहाँ से उसको फील करते हैं कंज्यूमर के टेस्ट को और उसके उसकी क्या के प्रेफरेंस आ रही है, उसको वहाँ से बैठ के इनको गाइड करते हैं वो, फिर उस पर रिसर्च करते हैं और फिर वो डिज़ाइन का बना के देते हैं। तो और वो ये उन्होंने ये भी कहा कि अपने शुद्ध लाभ का 5% हम उन लोगों को देते हैं जो कि हमको इसके डिज़ाइन के बारे में वहाँ से गाइड करते हैं।
So that means that person is not an agent, he is not a kind of employee. That person is a partner in the business. तो मेरा इसमें निवेदन यही रहेगा कि देश में जो ये प्रतिभा है डिज़ाइनिंग की, देश में ढेर सारे लोग जो इस विद्या को इसलिए जानते हैं कि वो जानते हैं इसको, ऐसा नहीं कि किसी स्कूल में गए थे, उनको अगर कहीं से हम टाइप कर लें और उसको किसी पैनल पे डाल के उनके साथ एक साझेदारी कर लें, उनको लूप में ले लें, इनका एक बड़ा सा विशाल नेटवर्क खड़ा कर लें, तो गाँव-गाँव में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी डिज़ाइनिंग जो है वो अगर चेंज होनी शुरू होती है और उनकी पैकेजिंग चेंज होनी शुरू होती है, उसका भी डिज़ाइन होता है पैकेजिंग का। आप देखते होंगे कि अगर वो वही गिफ्ट आप कुछ गिफ्ट जो है थोड़े कम पैसे के अंदर रखा है और डिज़ाइन उसका पैकेजिंग की डिज़ाइन आपने अच्छी सी चेंज कर दी तो लोग बोलते हैं पता नहीं कौन सा बड़ा गिफ्ट लेके आ गए, खाली उसका कागज़ जो ऊपर लगाया है उसका जो कलर अगर आप चेंज कर देते हो तो पूरी उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो मैं समझता हूँ इस वर्कशॉप के साथ हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए कि न केवल वो जो फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हमारे पास है जहाँ पढ़ाया जा रहा है उनको तो करने हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, अभी मैं मनदीप से कह रहा था कि देश में जितने भी स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट हों, यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, डिज़ाइनर्स जितने भी हों उनकी एक बड़ी सी विशाल डायरेक्टरी हमको बनानी चाहिए और उनके साथ संवाद स्थापित करना चाहिए कि इस महान देश को ये जो MSME का हमें एक टारगेट मिला है, एक सेवा करने का अवसर मिला है, इसको आगे बढ़ाते हुए जो डिज़ाइन का एक कॉम्पोनेंट है उसमें साथ मिलकर हम क्या कर सकते हैं और उसका एक मास्टर प्लान बनाकर, तो जो स्कीम हमारी चल रही है जैसे कि मनदीप जी ने और सारे हमारे कलीग्स ने भाई आपको बताया, वो स्कीम जो चल रही है वो अच्छी बात है पर हमें उसको, विनोद जी हमारे बैठे हैं ये तोड़ फोड़ में हमारा काफ़ी सहयोग करते हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि और भी जैसे यहाँ पे अर्चना आई हुई CIC और कई लोगों को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मतलब उपस्थित हैं, इस विषय पर अगर आप गहन मंथन को एक सेशन आधा घंटा 45 मिनट कि कैसे इसको हम क्राउड सोर्स करके देश में जो भी ये प्रतिभा है इसको एक नेटवर्क उसका पूरा खड़ा करके उनको कैसे हम इंसेंटिवाइज करें, सबको कैसे इनके साथ पार्टनरशिप्स बनाएं इनके साथ, और फिर जो रिसोर्सेज हमारे सरकार के पास जो भी हैं वो प्राइवेट सेक्टर के, फिर MSME के जो रिसोर्सेज हैं, और ये साथ मिलके अगर एक हम, मैं तो कहता हूँ कि 10 वर्ष का कम से कम एक प्लान हमको बनाना चाहिए कि डिज़ाइन इन 2030 इंडिया डिज़ाइन 2030 ऐसा कुछ करके चैलेंज टाइप का अगर आप रन करें मुझे लगता है और भी अच्छा लगेगा। तमाम सारी और संभावनाएं हैं, मैं तो सबसे कम जानता हूं इसके बारे में, आप लोग यहां पे काफ़ी विद्वान लोग उपस्थित हैं तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। हम बड़े अनुग्रहित हैं माननीय मंत्री जी के कि वो उनकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उनकी जो लोगों से जुड़े हो के उनका जो प्रेम है उसको हमारे साथ उसमें मिश्रित करेंगे, उस मिश्रण से हम जो कर रहे हैं उसमें हमें न केवल संकल्प उसका प्रगाढ़ होगा बल्कि हमें बहुत बल मिलेगा। तो बाद में वो थैंक्स गिविंग वाला तो बाद में शायद होता है, बट मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ सर आपका कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारा हौसला बढ़ाया, और आप सबका कि बावजूद तमाम इतने ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस के और आप यहाँ पे पहुँच गए, मैंने देखा कुछ लोग पैदल आ रहे थे अपनी कार में और छोड़ के आ गए, तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।